फोर व्हील सड़क पर ट्रोला असंतुलित होकर बाल रही विद्यालय की दीवार तोड़कर कमरे से टकराए कर पलटा। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले चार बालिकाओं को आई चोट। प्रधानाचार्य का कक्ष व 12वीं कमरा हुआ क्षतिग्रस्त। करीब 50 फीट दीवार हुई क्षतिग्रस्त। बड़ा हादसा होने से टला। हादसे के समय विद्यालय में 11 शिक्षक व 200 विद्यार्थी थे मौजूद। पाली के कीरवा में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लाइन सड़क पर शनिवार को करीब 2:50 पर डोला की तरफ से काली मिट्टी से भरा टोला आ रहा था, जो बालरई स्टेशन पर एक बस को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर बालरई की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवार से जा टकराया, जहां 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को चोटें आई हैं। 12वीं कक्षा के 4 बालिकाओं को चोटें लगी है, तो वही कक्षा 12वीं के कमरा व प्रधानाचार्य कार्यालय से टकराने के कारण दीवार के पत्थर व ईंटें निकलने से बालक बालिकाओं के चोटें आई हैं, मगर 4 बालिकाओं को गंभीर चोट लगी है, जिनको शिक्षकों ने उपचार के बाद घर भेज दिया है। धमाका इतना तेज था कि विद्यालय में विद्यार्थियों में अफरा तफरी मच गई, जहाँ सूचना मिलते ही पुलिस गुड़ा एनला थाने से ASI रिडम राम विष्णु मौके पर पहुंचे तथा विद्यालय के शिक्षकों व छात्र छात्राओं से जानकारी ली। वो आसो वो उसमें क्या हुआ है? एक्चुअली आज हम क्या है कि 3 बजे 2:50 के आसपास हमारे ऑफिस में बैठे थे 3-4 जने, और मैं भी कार्य कर रहा था और एक किसी काट रहे थे नारायण लाल जी प्रजापत जो हैं वैक्सीनेशन की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसी समय मतलब एक टोला जो है मतलब आकर के बाहर की जो दीवार थी उसको तोड़ करके स्कूल की बाउंड्री से टकराया, और पास में ही 12th क्लास के बच्चे बैठे थे, बच्चियां भी बैठी थी, तो वहाँ एकदम आकर के ज़ोरदार धमाका हुआ और उस कमरे से टकराया, साथ ही ऑफिस से भी टकराया। सारा ऑफिस और धमाके के साथ धुआं हो गया और धूल इकट्ठी हो गई, और घबरा करके हम लोग सभी बाहर निकले और बच्चों को भी बाहर बुलाया, तो सारी स्थिति देखने पर ऐसा लगा कि हम बाल बाल बच गए। कुछ बच्चों बालिकाओं के चोटें आई है, दो बच्चियों के थोड़ी ज़्यादा चोट आई है और 2 के थोड़ी मामूली चोट आई है, फिर उनको प्राथमिक उपचार के लिए घर तक वापस उनको पहुँचाया गया, और कुल मिलाकर के जनहानि जो है वो नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परबत सिंह है। और आप क्या हो? मैं प्रिंसिपल हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाल रहे।